नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत करुच्छ अपूर्व बड़ खबर जहाँ वर्तमान समय आसी पहुंचुची पश्चिमबंग राजनीति पश्चिमबंग में विधानसभा इलेक्शन बा निर्वाचन जिते पाख पश्चिमबंग राजनीति केउटना केउटी सेतिक अधिक तीव्रतर हो वर्तमान समय जहाँ सूचना आसी पहुंचुची जे पश्चिमबंग में ममता बनर्जी जे कि पश्चिमबंग मुख्यमंत्री अटंती मुहांमुही सीधासलख रही पूर्वतन सहयोगी शुभेंदु अधिकारी सहित शुभेंदु अधिकारी जे कि तृणमूल कांग्रेस को वाय वाय कहते अलविदा कहते बीजेपी नेतृत्व नेभली स्थल राज्य में हाईपावर लड़े हेवीवेट लड़े देखार चित्र आसी पहुँचुची कारण नंदीग्राम जहाँकि हूँ शुभेंदु अधिकारी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन लड़े बोली घोषणा कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आपरे शुभेंदु अधिकारी सामनाक आसी से प्रति जवाब रखिंट प्रति आक्रमण कर सीधासल कहते जदि ममता बनर्जी को से 50,000 भोट्रे न हर पारे ताहले इलेक्शन को बाय बाय कहे निर्वाचन को बाय बाय कहे राजनीति क्यारिअर तर से शेष हो तो दुई हेवीवेट मध्य लड़ी आरंभ हो वार्तालाप आरंभ हो यहाँ वर्तमान पश्चिमबंग राजनीति बेस उष्म हो कथा कटाकटी पूर्व आपंकर मन थी जे शैलभद्र दत्त जितेन्द्र तिवारी कबीरुल इस्लाम जो मैंने कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस बड़ बड़ नेता जो मान सांगठनिक स्तर में बेस दबदबा रही लोकों भितर पकड़ रही पूर्व टीएमसी को बाय बाय करिछन्ते वर्तमान समय रे जेतेबेले शुभेंदु अधिकारी जे कि 2007 रे नंदीग्राम रे जो कृषक आंदोलन होता ताहा को पाथे करी ममता बनर्जी वामपंथी मानक वाम दल को हटाई शासन को आसी थिले सेही शुभेंदु अधिकारी सहित वर्तमान ममता बनर्जी मुहांमुही होइछि लड़े होइछि एवं नंदीग्राम रे उभय लड़े बोली जिद्रे बसवा पर एबे पूरा देशर केवल पश्चिमबंग नुहे पूरा देशर नजर जाए पहुँची नंदीग्राम रे शुभेंदु अधिकारी आ ममता बनर्जी टक्कर को नहीं मो सहित मो सहयोगी अच्छा न्यूज़रूम सहित आलोचना करवा प्रकृत में कहुई पाए पश्चिमबंग राजनीति जी पाख निर्वाचन से रोचक होने आम देखिले जे मुख्यमंत्री आ शुभेंदु अधिकारी जो मैंने दिने परस्पर अनुरूप थे परस्पर सहित योजना प्रस्तुत करोगी थे कि आज से भितर फाट हो दुहे परस्पर को गोटे आसन लड़े बोली जिद लड़ी बस देखो अपूर्व ये प्रथम कथा हूँ जमी कहते बर्तन पश्चिमबंगे तृणमूल कांग्रेस आमर जी चीफ मिनिस्टर अच्छा ममता बनर्जी आ शुभेंदु अधिकारी भितर गोटे प्रकार लड़े आरंभ हो जोटा को कि समस्ते वर्तमान समय रे राजनैतिक आपड़ पूरा कहीपरती पूरा देशर फोकस बर्तन वेस्ट बेंगल निर्वाचन उपरे आउ ए निर्वाचन रे वर्तमान कहवाक गले गोटे महामुकबिला आरंभ हो महामुकबिला वर्तमान दुई पार्टी कहीपर ये पुणी थे कहबी जे बीजेपी को वर्तमान न्यू एंट्रांट होती शुभेंदु अधिकारी से वर्तमान आपड़ जमी कहते आगुरी ममता बनर्जी सहयोगी थे तृणमूल कांग्रेस रे सहयोगी थे कि वर्तमान समय रे से बाय बाय कर तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी रे लास्ट जो विजिट करते अमित शाह से इंडक्ट करते वर्तमान समय रे ममता बनर्जी आ शुभेंदु अधिकारी भितर जो लड़े वर्तमान देखाई यहाँ हूँ नंदीग्राम होम टर्फ जोटा मुझे कहवाक चाहूँगी शुभेंदु अधिकारी निज स्थान जोटा कि निज विशेष निर्वाचन लड़ी तृणमूल कांग्रेस वर्तमान समय रे ममता जिद कर गोटे प्रकार जे से तृणमूल निजे से निज से ढड़ा हो निर्वाचन लड़े पुरातन सहयोगी शुभेंदु अधिकारी एगेन्स्ट्रे जमीक आपड़ जानते शुभेंदु अधिकारी आप जस्ट कहते शुभेंदु अधिकारी कहते जदि माननिया से निर्वाचन लड़े सो निश्चय भाव में 50,000 भोट्रे तो निहाती हारे यहाँ कहार कथा ये से कथार प्रतिबदल आपारती ममता बनर्जी कहते जोटा कि आम जाचे ममता बनर्जी होती साउथ कलकाटा हूँ निज स्थान भवानीपुर एरिया से निर्वाचन लड़ती वर्तमान समय रे जो एते वर्ष धरी जेबेडु तृणमूल कांग्रेस आसीछि प्रथम करि भाबे ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी विरोध में लड़िबे कारण पूर्वरु आम समस्त को जना अछि जो माने राजनीति रे रुचि रखंती जे शुभेंदु अधिकारी पश्चिमबंग राजनीति रे केउ भोली पकड़ अछि जहां को पाथे करी ममता बनर्जी दिने मुख्यमंत्री होइतिले तांकर विरोध रे पुनी नंदीग्राम रे लड़िबे ए खबर पश्चिमबंग राजनीति रे आहुरी उष्मता भरिछि तो प्रथम आसन सुनिबा जे उभयक मध्य कौन कथा कटाकटी होई शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी मध्य केमती टक्कर सामना को आसी आसन देखा नंदीग्रामे माननीय धड़ान पद फूल पार्टी दी अनु का लिखे रख आज के सन्ध्या बेला घड़ी टाइम दिए डेट दिए अपनारा लिखे रख हाफ लाख भोटे जदि माननीय के हाराते ना पारि राजनीति छेड़े देव लिखे रखो
तो अनंत महांती वरिष्ठ सांबादिक आम सहित तो फोन लाइन अच्छा अधिक आलोचना करने श्रीयुक्त महांती पश्चिमबंग राजनीति में घड़ी के घोड़ा छुटी केतेबेले ममता बनर्जी शिविर को बाय बाय करुछंती शैलभद्र दत्त जितेन्द्र तिवारी तो केतेबेले शुभेंदु अधिकारी विपक्ष में लड़े बोली ममता बनर्जी घोषणा करिछंती। तो एभली स्थले आपण केमती देखुछंती लड़े को कारण दुई हेवीवेट लड़े हेबो जो सहयोगी कांधरे भरा दे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होते विरोध में लड़ाक मन स्थिर कर राजनीतिर चक्रव्यूह को भेद करने अति कष्टकर व्यापार वर्तमान ये 370 धारा लागू होगा समग्र देश में जो पश्चिम बंगे ममता बनर्जी जो प्रकार आभिमुख्य ममता बनर्जी जो भाव केन्द्र मान गृहमंत्री अमित शाह माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अभिमान राग कर जो ईर्षान्वित नहीं भाजपा नेता हत्या कर समय एवं जंगल राज दिने जोड़ा बिहार थी आज जंगल राज कह पश्चिमबंग पलटि जाए वर्तमान जो कि ममता बनर्जी मूल बिंदु था भोट बैंक था विजय टीका पिंधेबारे जार भूमिका अति गुरुत्व था जे कि शुभेंदु चौधरी महोदय सी वर्तमान दूरे जाए ममता आगामी दिन में निर्वाचन किभली भाव से लड़े और किभली विजय लाभ करे प्रकृत देखने काठीगर व्यापार हे आ धीरे 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 तृणमूल कांग्रेस रु अनेक नेता मुह फेराउचंती ए भितरे बड़ फेक्टर ममता सब प्रकार सब दिगरु जिते सब जोगाड़ करिवारे शुभेंदु चौधरी भूमिका अति गुरुत्व थिला एवं पीयूसी पुतुरा संपर्क एपटे रक्तर संपर्क भितर पुणे राजनीतिर झड़ यह निश्चित भाव अन्य मोड़ को नेबा सुनिश्चित नंदीग्राम रु लड़ा को मन स्थिर कर तेणु सी निहाती दृढ़ प्राणपण न देखे दल स्तर कर्मी मैंने भांगी पड़े कि वास्तविक क्षेत्र में टीएमसी जो प्रकार मेरुदंड रही मेरुदंड वर्तमान आउ टाणपण ना मेरुदंड बंका होगला तेणु सी जहां भी टाणपण रखापे निज कर्मी भितर गोटे मनोभाव उत्साह भाव अभिवृद्धि करने यह टाणपण कहते कि शुभेंदु चौधरी सहित लड़ा ममता बनर्जी अति मैं गोटे महंगा पड़ो पश्चिम बंगर समग्र राजनीति को भारत वर्ष अन रही तेणु भारत वर्ष जी अन रही भारतीय जनता पार्टी केन्द्र स्तर सरकार सी भी स्वच्छ भाव लोकंतर आस्था जेनवा कि रणनीति प्रस्तुत करेंगे से रणनीति की ममता बनर्जी सम्मुखीन अनेक निर्वाचन को आप बहुत पाखु देखी ए परिस्थिति रे आपण कोन आकलन करुछन्ते एभली आभिमुख्य द्वारा टीएमसी को माइनस हेबो टीएमसी रो ना टीएमसी रो प्लस हेबो से त भाबे जहा जणा पुरछि जेतु गोटे बड़ फैक्टर थिले शुभेंदु चौधरी तृणमूल कांग्रेस रो गोटे बड़ फैक्टर थिले एपटे घरै संपर्क ए भितरे मतभेद होईछि परे निश्चित भाबे तृणमूल कांग्रेस वर्तमान क्षेत्र रे भी जो प्रकार ह्रास होई जाउछि आउरी महंगा पड़िबो आगामी निर्वाचन क्षेत्र रे तने ममता बनर्जी कथा छल निज कर्मी उत्साह अभिवृद्धि करने जिते दूर संभव रोचे यहाँ निश्चित भाव भारतीय जनता पार्टी एक लाभजनक कथा हे आई उभय लड़े ही निर्णायक मोड़ नब पश्चिम बंगे जिते सब दल जिते सब सीट रे लड़े हब से लड़ई भितर सब अति गुरुत्वपूर्ण लड़े हब बर्तमान शुभेंदु चौधरी भर्से ममता बनर्जी कि राजनैतिक कथा आमको आउ गोटे कथा भी तीक्षण भाव नजर देवा पड़ो जो ये समय भितर निर्वाचन समय भितर आउ कौ कौ लोक तृणमूल कांग्रेस रु छाड़ी भाजपा जोगदान करजपार किसी लोक तृणमूल को जाऊँ कि दल अदल बदल कथा भी आमको नजर देवा पड़ो कि जाऊना कहीं तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ क्षति सहयोग पड़ो ए कौन प्रकार मानने सन्देह ना सुक्त महांत आप फोन लाइन में था पुणी थे आप फेरबू परवर्ती समय रे निहारिका मो सहयोगी अच्छे न्यूज रूम में निहारिका आपत तो पश्चिम बंग राजनीति को फॉलो करती कारण आप नेशनल डेस्क बसंती तो आप कौन आकलन कर प्रकृत में बीजेपी रो गेन हो वर्तमान शुभेंदु अधिकारी आ तृणमूल कांग्रेस जो नेत्री मुख्य नेत्री ममता बनर्जी जो लड़े सामना को आसी बीजेपी रो गेन ना बीजेपी के लॉस कर गेन कार लॉस कार
टीएमसी और बीजेपी भीतर देखंतु आमे एठी गोटे कथा कहबा निश्चय भाबरे मु कहबे किछिटा समानता आजि समय रे देखा देउची जोटा कि किछि वर्ष पूर्वे जेतेबेले तृणमूल कांग्रेस आरंभ करथिले ममता बनर्जी तो से समय रो परिस्थिति आ आजिरो परिस्थिति भीतर गोटे प्रकार समानता देखा जउची मु ए कथा काही कहउची अपूर्व बिकॉज 34 वर्ष रो बाम दल रो शासन को भांगी कि बाम दल को भांगी ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस प्रथमे कांग्रेस रे थिले जातीय कांग्रेस रे तापरे से तृणमूल कांग्रेस सृष्टि करथिले आ जेमिति कि जानती ज्योति बसुंकर गोटे लॉन्ग लाइफ रो लॉन्ग रन रो जो राजनीति थिला ताको कोनोसी ना कोनोसी ठारे ममता बनर्जी ता भितरे पसी कि कंप्लीटली वेस्ट बेंगल रे गोटे चेंज आनीथिले तो आजिर मु काई कहूची जे एटा गोटे समानता बोली बिकॉज वर्तमान समय रे जेपरि कि शुभेंदु अधिकारी जे कि कहिबाकू गले कंप्लीटली ममता बनर्जी टेम्परामेंट हो तृणमूल कांग्रेस जहाँ भी राजनैतिक ढांचा हो सब कुछ ठीक भाव जानते कि मनोभाव हो आपारे अन्य 40 जन जो मैंने तृणमूल कांग्रेस छाड़ी जाइंट वर्तमान समय रे से समानता ये से शुभेंदु अधिकारी पुणी सेमती जमीती बहुत वर्ष पूर्वे ममता बनर्जी करते शुभेंदु अधिकारी बीजेपी तरफ वर्तमान लड़िकी निश्चय भाव में ममता टर्फ रे ममता गड़े पशिकी निश्चय भाव में जपरिक से निजे कहते निश्चय भाव से कमल फूल फुटबो जोटा कहते तो हे तो किसी ना कि समय समय बदली बर्तमान ममता बहु वर्ष पूर्वे जहाँ करते शुभेंदु अधिकारी हे तो से परिस्थिति को पुणी आसमें कहींपर कि ममता के क्योंकि बीजेपी को आखि देखो ना कि तुमर जोटा गड़ जो शुभेंदु अधिकारी गड़ जहाँ को बर्तमान बीजेपी को लीड करिबार शुभेंदु अधिकारी मध्य बेस भूमिका रहुछि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी आम जमी मुझे कहती जो प्रकार टेम्परामेंट से टेम्परामेंट से राजनीति में गोटी खेल कम आजर आक्रोश भाव को बेसी देखते जमीक आप जानते अमित शाह जो लास्ट विजिट करते से निजे जे 300 जन प्राय 300 जन बीजेपी नेता से मर्डर है मरा हत्या है तो निश्चय भाव में कौन सी ना कौन सी जगह निश्चय वेस्ट बेंगल ने वर्तमान राजनीति बा निर्वाचन जोटा से ममता बनर्जी कम करुचंती बीजेपी नेता मारिबा से मानकु धमक दबा बा से मानक सहित ठीक भाव में राजनैतिक तालमेल देखा कि लड़ा ए सबू बंद कर देखते कंप्लीटली थ्रेटेन करवा ए प्रकार भूमिका से ग्रहण करेंगे निश्चय सुक्त अनंत महांती आपको जानवाक चाहिए प्रकृत में पश्चिम बंग राजनीति को आपड़ केमती देखुं आगामी विधानसभा निर्वाचन में लड़े 50-50 ना कहार पल्ला भारी रोच पश्चिमबंगर विधानसभा भितर 294 सीट रो कथा पड़छि 294 सीट रो कथा हेले ए भितरु तृणमूल कांग्रेस रो जथेष्ट रहितले मध्य वर्तमान शुभेंदु चौधरी को पाखरे 40 रु ऊर्ध विधायक रहिछन्ते जमानि अति गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करंती पश्चिमबंगर राजनीति क्षेत्र रे विगत ऐतिहासिक समय रे इवन रामायण महाभारत रे भी कथा देखंतु राजनीतिक क्षेत्र रे गड़ विजय करबाक होले विभीषण एवं शकुनी के भूमिका जथेष्ट रहिछ तेनाली जदि शुभेंदु चौधरी को निर्दिष्ट भाव विभीषण और शकुनी भूमिकार भारतीय जनता पार्टी अवतीर्ण करे बर्तमान जहाँ कहते आपण रिपोर्ट जो प्रकार आक्रोशमूलक नीति ममता बनर्जी आपणईं से भारतीय जनता पार्टी लाभजनक हो पार जिते ममता बनर्जी बर्तमान राज्य में आक्रोशमूलक नीति अवलंबन करेंगे हिंसामूलक नीति अवलंबन करेंगे ता आपे आपे जनमानस ठारू से दूरे दूरे जीवे कहीं दिने से ज्योति बसु को हरई जो जोटा कि लाल गड़ बोली कहला से लाल गड़ को हटे से तृणमूल कांग्रेस स्थापन कर गोटे कथा था जेहेतु सी आतंकराज शासन था आतंकराज शासन को सुशासन करी ना आसते बर्तमान जे से सुशासन नारा लेकिन ममता बनर्जी आसते से आतंकराज बर्तमान रक्त रक्तर लहरी खेल प्रत्येक दिन से मर्डर घटू प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार असामाजिक कार्य रोचे साधारण धन जीवन सुरक्षित नुहे प्रकार धारा ममता बनर्जी जिते आगक आगक अधिक अधिक करेंगे ता निश्चित भाव विपक्ष पाई अति उत्तम हम तेनाली आपणवा आवश्यक रही है दुईट बड़ फैक्टर रही गोटे ममता बनर्जी प्रतिहिंसा आक्रोशमूलक हिंसामूलक नीति अंपटे है भारतीय जनता पार्टी प्रति लोकंतर आस्था एवं विश्वास वृद्धि घटा एवं शुभेंदु चौधरी जी की पारिवारिक संपर्क विगत दिन में मुकुट पिंधार जार भूमिका जथेष्ट सी वर्तमान जो विभीषण और शकुनी भूमिका अवतीर्ण हे ता ममता बनर्जी को निश्चित भाव अति मात्र भारी पड़ो आ शुभेंदु चौधरी विकल्प मन रखा मानने पश्चिमबंग में पाइबा अति विरल हे ममता बनर्जी टीएमसी छाड़ी नेता बीजेपी कर्मी ग्रहण करेंगे तो यह बड़ फैक्टर हो पाए
କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୂଳରୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସେ ସମସ୍ୟା ବିଜେପି ପାଇଁ ଦେଖାଦେବନି ତ? ନାଇଁ, ନିହାତି ଏଇ କଥା ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଫୁଟି ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ହିଂସାମୂଳକ ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିହିଂସା ରାଜନୀତିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯଦି ହିଂସାମୂଳକ ଏବଂ ପ୍ରତିହିଂସା ରାଜନୀତିକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ଛାଡ଼ିକିରି ଭାଜପାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିଂସାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରତିହିଂସାପରାୟଣ ରାଜନୀତିର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ନାହୁଁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ସେକ୍ଟର। ଅନ୍ୟ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସିଟ୍ରେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ହିଁ ବିଧାନସଭା ଲଢିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରଣନୀତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିବ, ସମୟ ଆଗକୁ କହିବ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଆସିଛି ସେଇ ତିନୋଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ନିହାତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚାରେ ଭାରି ପଡିବ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଖାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି କଠୋର ମନୋଭାବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଇଠି ବି ହବ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୋର୍ଡରରେ ଯୋଉ ବିହାର ରହୁଛି, ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି, ସେପଟେ ଆସାମ ରହୁଛି, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ରହିଛି ରାଜ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମାନେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ସମ୍ପର୍କ ସେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଯେତିକି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ତାହା ବି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଏଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହାକାଠିକର ପାଠ୍ୟ ହବ। ନିହାରିକା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି, କେତେବେଳେ ଟିଏମ୍ସି ପଲ୍ଲା ଭାରି ତ କେତେବେଳେ ବିଜେପି ପଲ୍ଲା ଭାରି, କାରଣ ଟିଏମ୍ସିର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯେଉଁମାନେ କି ବିଜେପି ଶିବିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଦାୟର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ, ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୁହାଯାଏ ଏପରି ଗେନ୍ କରୁଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲିଡର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିଲା ପରେ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ବିଜେପି ପୁରା ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମଇଦାନ କୋହଳଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବା ଟିଏମ୍ସିର ନେତାମାନେ ବିଜେପି ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ରେ ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ରାଜନୀତି ଏମିତି ଗରମାଗରମ ଅଛି ଯେ ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବ ଯେଉଁଟା ଟିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ବାରମ୍ବାର, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ କାର୍ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିଲା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ଟିଏମ୍ସିର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି ଯେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚୟ ଆଟାକିଂ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ଏକଥା ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଅରାଜକତା ଯେଉଁଟା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଶାସନରେ ଚାଲିଛି ଏତେ ଦିନ ଧରି, ଯେଉଁ କଥା କି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ନିଜର ଭାଷଣରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଦିଦିଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବା ଦିଦିଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ଚାଲିଛି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଡରାଇ ଧମକାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏ ଶାସନର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟର ଅନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଆଟାକିଂ ମୋଡ଼ରେ ହେଉ ବା ବିଜେପି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦିଦିଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ପଶି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ରାଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବା ଜେପି ନଡ୍ଡା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାଉ ରାଲି କଲେ, ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପୋଜିସନରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହିତ ବିଜେପି ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛି ଏହା କୁହାଯାଇ ପାରେ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ଟିଏମ୍ସିରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଟିଏମ୍ସିରେ ଭଲ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ମିଶିଛନ୍ତି, ତ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ବିଜେପି ଅପେକ୍ଷା ଟିଏମ୍ସି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦୁର୍ବଳତାଟା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବ ବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଦ୍ଖୋର ନୀତି
ବା ଆପଣ ନିକଟରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା କି ତାଙ୍କର ସାଉଥ କାଲକାଟା, ଏଠି ଅପୂର୍ବ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାଉଥ କାଲକାଟାର ଭବାନୀପୁର ସିଟ୍ ହେଉଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର, ସେ ଯେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସେଇଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଏପରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭବାନୀପୁର ସିଟ୍ ପଛେ ସେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ହାବ ଭାବରେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୁଭେଇବାର ଗୋଟେ ତରିକା ସେ ଯେଉଁଟା ଭାବିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଅରାଜକତା ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିଏମ୍ସିର ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ନୀତି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଝିରେ, ଯେପରିକି ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା, ବିଜେପିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବା, ମାରିବା, କାର ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା, ଏସବୁ ନୀତି ଦେଇ କେତେ ଦିନ ଟିଏମ୍ସି ଗତି କରିଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ପଶି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ହୋମ୍ ଟର୍ଫରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାର ଜବାବ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦିଦି ଆସିପାରନ୍ତି ବା ମାନନୀୟ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 50,000 ଭୋଟରେ ନିହାତି ସେ ହାରିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ। ଓକେ, ତ ପୁଣିଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଯେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନେଇ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କିଭଳି କଡ଼ା ଭାବରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣିଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା। নন্দীগ্রামে মাননীয়া দাঁড়ান, পদ্ম ফুলটা নিয়ে আমি আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক যাকেই দেবেন, আমি লিখে রাখুন আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 500,000 ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। নন্দীগ্রামে মাননীয়া দাঁড়ান, পদ্ম ফুলটা নিয়ে আমি আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক যাকেই দেবেন, আমি লিখে রাখুন আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 500,000 ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରୁ ଲଢ଼ନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 50,000 ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିବି, ଆଉ ଯଦି ଜିତି ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆଉ ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜୟର ଶିରିପା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର, କାରଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଉଷ୍ମତା ଭରୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ସମୟ ସରିଛି, ଅର୍ଗସ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।